हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्ट बालाजी और जी फाइव पे रिलीज हुए एक नए वेब सीरीज जिसका नाम है द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती। इसमें हमें तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड के लिए लगभग 41 मिनट से लेकर 33 मिनट के बीच में। तो क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं? क्या ये वेब सीरीज में भी वही चीज हमको देखने मिलेगी जो हमने रुस्तम मूवी में ऑलरेडी देख चुके? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे अभी क्लिक कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। इस वेब सीरीज में हमें नजर आते हैं मानव कौल, एली अब्राम, सुमित व्यास, वीरव पटेल, मकरंद देशपांडे, सोनी रजदान, सौरभ शुक्ला, इवान रॉड्रिक्स, स्वानान किकिरे, अंगद बेदी, कुबरा सेठ, पूजा कौर। तो आप लोग आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे लोगों का नाम क्यों बताया। मैं आप लोगों को इस वजह से नाम बताया क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने लोगों का नाम बताया ना, सभी लोगों की परफॉर्मेंस इस वेब सीरीज को वन ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज बना रही अल्ट बालाजी की। अल्ट बालाजी की यू तो वेब सीरीज कुछ भी इतनी खास होती नहीं है, लेकिन लास्ट उनकी जो वेब सीरीज आई थी मिशन ओवर मार्स, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि मिशन मंगल मूवी के बाद मैं सोच रहा था कि इसमें क्या नया होगा। लेकिन यार वो वेब सीरीज देखकर मैं शॉक्ड हो गया था। वही हाल मेरा ये वेब सीरीज देखकर भी हुआ, द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती। क्योंकि यहाँ पर मर्डर केस वही है, रुस्तम में जो बताया था वही बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन किया गया ना, मैं इतना ही बोलूंगा स्टार्ट से एंड तक जो ये बताना चाह रहे थे वो लोग बिल्कुल वही बताते। यहाँ पर कुछ भी लव स्टोरी नहीं बताई गई है, यहाँ पे सीधा मुद्दे बताए गए। यानी कि जो हमारे कावास मानेकशॉ नानावती जो नेवल के कमांडर है, वो डायरेक्ट जब प्रेम आहूजा को गोली मारते तो सीधा वो पुलिस स्टेशन आते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट वो सरेंडर करते। तो कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। और कहानी इस वेब सीरीज में हमें सुमित व्यास यानी कि जो यहाँ पर रोल प्ले करे एडवोकेट जेठ मलानी का, उनके नजरिए से यहाँ पे पूरी की पूरी हमें कहानी सुनाई जाती है। उसके अलावा ये वेब सीरीज में जो परफॉर्मेंस है एकदम टॉप नॉच का है। मानव कौल की बात करें तो मानव कौल ने उनके डायलॉग बहुत कम है, वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं केवीएस मानेकशॉ नानावती का, यानी कि जो नेवल कमांडर ऑफिसर है उनका यहाँ पे रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा उनके डायलॉग्स बहुत कम है, लेकिन जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है ना मानव कौल के, वह बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल देते हैं इस वेब सीरीज में। और मुझे पर्सनली उनका परफॉर्मेंस हाईलाइट लगा एकदम। उसके अलावा मुझे अगर वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे मकरंद देशपांडे का नाम लेना पड़ा, क्योंकि उनके जितने भी सीन्स है एज लॉयर एज एडवोकेट लॉयर वो बहुत ही ज्यादा फनी, बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है। और उनके जब भी सीन्स आते हैं मकरंद देशपांडे ने, जितने भी कोर्ट रूम ड्रामा है या उसके बाहर जितने भी सीन्स है, आपको बहुत हंसी आती है। मतलब एक अलग माहौल बन जाता है जब मकरंद देशपांडे की एंट्री होती है, जब उनके सीन्स होते हैं। उसके अलावा अंगद बेदी का परफॉर्मेंस काफी मेच्योर लगा मुझे, सुमित व्यास का मुझे काफी शॉकिंग बट मेच्योर परफॉर्मेंस लगा, कुबरा सेठ का परफॉर्मेंस अच्छा था, एली अब्राम के इतने ज्यादा सीन्स नहीं है लेकिन फिर भी वो भी मतलब ओवर नहीं करती, मतलब वो ठीक ठाक एक्टिंग करती है। उसके अलावा सौरभ शुक्ला जैसे कमाल के एक्टर्स है उनके लिए तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और स्वानान किरकिरे की बात करें तो वो एज अ जज के रोल में काफी फनी मुझे पर्सनली महसूस हो रहे थे। तो कुल मिला के ये वेब सीरीज में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो द वर्डिक्ट वेब सीरीज में जो मैं एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मुझे देखने को मिला। और डायरेक्टर ने जो स्टार्ट से एंड तक जो उनके मिशन था कि उनको कुछ अलग हटके करना रुस्तम मूवी से, क्योंकि लोगों ने उस कहानी को एक अलग नजरिए से देखा अक्षय कुमार की मूवी, लेकिन यहाँ पे एक अलग और एक अच्छे नजरिए से बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर टोटल हमें केवल मानेकशॉ नानावती की पूरी जर्नी बताई गई, यानी कि उस मर्डर केस के बाद कैसे ट्रायल चला, उसके बाद उनको सजा की सजा होने के बाद वो कैसे बाहर इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में आके शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे उनकी टोटल लाइफ के बारे में बताया गया। मुझे कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं कि वेब सीरीज नीचे हो गई या कहीं पे भी ऐसी झोल नहीं लगी। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट बालाजी ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया, क्योंकि ये वेब सीरीज की जो राइटिंग है वो तो बढ़िया है, लेकिन प्लस जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही तरीके का है। तो मेरे हिसाब से इट्स एन गुड वेब सीरीज, मुझे कोई पर्सनली ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं इतनी सारी वेब सीरीज देखा तो कुछ तो समझ में आता है कि नहीं यार इसमें बात है। तो यार रुस्तम जैसी एंटरटेनिंग तो नहीं बना, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार के काफी सॉन्ग थे, यहाँ पे सॉन्ग सीन्स की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट रूम ड्रामा है स्टार्ट से एंड तक वही बताया गया। उसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से पारसी कम्युनिटी कावस मानेकशॉ नानावती को बचाना चाह रही थी, चाहे वो वहाँ के नेवल ऑफिसर हो, चाहे वो उनके पारसी कम्युनिटी के लोग हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जो उस टाइम की जो सरकार थी वो हो, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस सिक्योरिटी, वो बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए अलग ही लेवल के वो कमांडर थे। तो इस वजह से उनके
साथ हमारे देश की जो रिस्पेक्ट जो इज्जत थी वो बनी हुई थी, तो किसी तरीके से उनको बचाना बहुत जरूरी था। और आपको इसमें से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा? मेरे हिसाब से तो मुझे दो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगे, एक तो मानव कौल का और दूसरा मकरंद देशपांडे का। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपको कौन सा कैरेक्टर इस वेब सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो यार मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना और हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय।